नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानवती सक्सेना। सर्वप्रथम जन सरोकार मंच टोंक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे काव्य पाठ और संवाद के लिए अपने पटल पर आमंत्रित किया। शुक्रिया देवेंद्र जी। जन सरोकार मंच टॉक के पटल से लाइव फेसबुक से इस पटल की ओर से मैं ज्ञानवती सक्सेना जयपुर से आप सभी साहित्य अनुरागी बंधुओं का, मित्रों का, कवियों का, लेखकों का, साहित्यकारों का, सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैंने सरकारी विद्यालयों में 42 वर्ष बच्चों को शिक्षा प्रदान की। ईश्वर ने मुझे ये सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं ईश्वर की भी शुक्रगुजार हूँ। जुलाई 2019 में सेवानिवृत्त होकर साहित्य साधना करने का प्रयास कर रही हूँ। इस क्षेत्र में लाने के लिए मैं इसका श्रेय बीना चौहान मैडम और शशि सक्सेना दीदी को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस साहित्य साधना के क्षेत्र में लिया। मेरा प्रथम काव्य संग्रह हिलोरें 2018 में साहित्य आगार प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। दूसरा काव्य संग्रह 2019 में प्रवाह निशांत मिश्रा जी के सहयोग से कलमकार मंच से आया। लगभग इनके अतिरिक्त लगभग 7 साझा काव्य संग्रह आ चुके हैं। कहा भी गया है, मनुष्य होना भाग्य है लेकिन कवि होना सौभाग्य है। कवि के मन के अंदर जो अंतर्द्वंद अनुभूतियां, जज्बात उठते हैं, उन्हें अल्फाजों के रूप में बहकर कविता का आकार लेते रहते हैं। तो आज समस्त कलाओं की अधिष्ठात्री देवी, ज्ञान की देवी माँ शारदे की वंदना से हम इस आयोजन का, इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं, आगाज करते हैं। हाँ देवेंद्र जी, मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है ना? माँ सरस्वती की, माँ शारदा की वंदना, नमन। माँ वीणा वादिनी विद्यादायिनी, माँ वाणी को वीणा कर दे। कामना है शारदे से, माँ वीणा वादिनी विद्यादायिनी, माँ वाणी को वीणा कर दो। कंठवासिनी बुद्धिदायिनी, माँ उर ज्योतिर्मय कर दो। हे मात भवानी शारदे, तुझसे विनती बारंबार। हे मात भवानी शारदे, तुझसे विनती बारंबार। सब कलुष तिमिर उर से मिटे, सब कलुष तिमिर उर से मिटे, जब कृपा होए अपरंपार। स्वर्गिक क्यारी सा महके, कुस्मित अंतर मन संसार। मृदुल मृदुल छंद की, मृदुल मृदुल लय छंद की, बेडब जग में हो जग झनकार। विश्व में जल्द चलने लगे, फिर से शीतल सुखद बया। विश्व में जल्द चलने लगे, फिर से शीतल सुखद बयार। राग द्वेष अज्ञान तिमिर हर, राग द्वेष अज्ञान तिमिर हर, करो माँ सकल उद्धार। राग द्वेष अज्ञान तिमिर हर, करो माँ सकल उद्धार।
यही कामना है कि जल्दी ही ये विश्व में जैसा माहौल चल रहा है फिर से शीतल सुखद बयार चले, माँ हमारे मन के राग द्वेष इसका इन विकारों से हमें दूर करे। माँ शारदे को पुनः नमन। हाँ, सत्या शर्मा कीर्ति जी जो जुड़ चुकी हैं, कल्पना गोयल दीदी, मैं कल्पना जी का, सत्या शर्मा कीर्ति जी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अपने व्यस्तम जीवन से समय निकालकर इस आयोजन की शोभा बढ़ाई, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। मेरी अगली कविता है प्रवाह। ये प्रवाह मेरी दूसरे काव्य संग्रह का नाम भी है और उसकी एक कविता भी है। प्रवाह क्या है? हम जीवन में समय की धारा में बहते हुए परिस्थितियों से, हालातों से संघर्ष करते रहते हैं, गुजरते रहते हैं, तथापि नारी आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। अपनी मंजिल तक पहुंचने की जिद में वो कहीं ना कहीं राह निकाल ही लेती है। तो सुनिए अगली कविता प्रवाह। प्रवाह ही तो जीवन की जिंदा दिली है, प्रवाह ही तो जिंदगी की जिंदा दिली है, प्रवाह में ही तो सारी वाहवाही छिपी है, प्रवाह में ही तो सारी वाहवाही छिपी है। धारा के प्रबल प्रवाह में बहते चले गए, धारा के प्रबल प्रवाह में बहते चले गए, हिलोरे से अपने साहिल से खींचते चले गए, हिलोरे से सपने साहिल से खींचते चले गए, अंधड़ पतझड़ हंस के सहते चले गए, हिलोरों से सपने साहिल से खींचते चले गए, अंधड़ पतझड़ हंस के सहते चले गए, लुढ़कते लुढ़कते आज सालिग्राम हो गए, लुढ़कते गुड़कते आज सालिग्राम हो गए, प्रवाह में ही तो सारी कारीगरी छिपी है, प्रवाह में ही तो सारी कारीगरी छिपी है, प्रवाह में ही सारी वाहवाही छिपी है। जीवन के प्रवाह से गुजरते चले गए, जीवन के प्रवाह से गुजरते चले गए, मन की उथल पुथल को जीते चले गए, दर्द का बखिया सीते चले गए, मन की उथल पुथल को जीते चले गए, दर्द का बखिया सीते चले गए, इंसान से चट्टान में तब्दील हो गए, इंसान से चट्टान में तब्दील हो गए, हर इंसान की किस्मत नियति से घिरी है, हर इंसान की किस्मत नियति से घिरी है, प्रवाह में ही सारी वाहवाही छिपी है, साहित्य के प्रवाह में निमग्न होते चले गए, साहित्य के प्रवाह में निमग्न होते चले गए, भावों के सैलाब में डूबते तैरते चले गए, भावों के सैलाब में डूबते तैरते चले गए, लफ्जों में लिपटे जज्बातों में बहते चले गए, जज्बातों में लफ्जों में लिपटे जज्बातों में बहते चले गए, प्रवाह में तराशने की गजब कारीगरी छिपी है, प्रवाह में ही सारी वाहवाही छिपी है, प्रवाह में ही सारी वाहवाही छिपी है। ये जीवन का प्रवाह, ये जीवन का की जो धारा निरंतर बहती रहती है, उसी में हम आगे बढ़ते रहते हैं। मेरी अगली कविता है आकांक्षा। आकांक्षा, हालांकि आज का जो सियासत का परिदृश्य है बहुत निराशाजनक है, लेकिन मैंने ये कविता अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे उनसे जो अपेक्षाएं थी तब लिखी थी, उन्हें भेजी थी, उनका धन्यवाद पत्र भी मेरे पास आया था जो आज मेरे पास सुरक्षित है। तो हमारे नेताओं से, हमारे सारथियों से हमें जनता को कितनी उम्मीदें होती हैं, क्या अपेक्षाएं होती हैं, वो क्या चाहते हैं उनसे, इस कविता में मैंने पिरोने का प्रयास किया है।
आज मोदी जी से या प्रधानमंत्री जी से भी, हमारे सारथी से, राष्ट्ररथि से हम क्या उम्मीद करते हैं देखिएगा। आकांक्षा, आकांक्षा हर मूर्त करो यो, भारत की तस्वीर बदल दो, ऐसी कुछ तदबीर करो जो भारत की तकदीर बदल दो। आकांक्षा हर मूर्त करो यो, भारत की तस्वीर बदल दो, ऐसी कुछ तदबीर करो जो भारत की तकदीर बदल दो। दे दीप्यमान नक्षत्र बनो तुम, पीयूष अजस्त्र स्त्रोत बनो तुम, अक्षुण संस्कृति के उद्गाता बनो तुम, समस्त विश्व को आर्य करो तुम, धरती का श्रृंगार बनो तुम, माँ का विलक्षण वरदान बनो तुम, माँ का विलक्षण वरदान बनो तुम, माँ का सुदृढ़ स्तंभ बनो तुम, राष्ट्र का दिव्य नेतृत्व करो तुम, राष्ट्र का दिव्य नेतृत्व करो तुम। आकांक्षा हर मूर्त करो यो, भारत की तस्वीर बदल दो, ऐसी कुछ तदबीर करो जो भारत की तकदीर बदल दो। मीरा जैन, नीरा जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है नीरा जी। महेश जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अगला वंद है, शीतल मृदुल प्रवाह बनो तुम, बेढब वक्त की लय ताल बनो तुम, अनेक आपगाओं से समाहित सक्षम कर्तव्यनिष्ठ गागर बनो तुम, स्वार्थ के अंतह तिमिर हर प्रेरणादायी रश्मि बनो तुम, ध्रष्ट निकृष्ट दरिंदों के लिए साक्षात कराल काल बनो तुम, भ्रष्टों का प्रतिकार करो तुम, हर चुनौती स्वीकार करो तुम, धर्मांध मंडराते गिद्धों को बेनकाब नाकाम करो तुम, राष्ट्र का स्पंदन बनो तुम, जन जन का क्रंदन सुनो तुम, राष्ट्र की बाकी आन शान बनो तुम, माँ का माँ की विलक्षण संतान बनो तुम। आकांक्षा हर मूर्त करो यो, भारत की तस्वीर बदल दो, कुछ ऐसी तदबीर करो जो भारत की तकदीर बदल दो। सो राहों से राह चुनो तुम, हर भंवर में धीर धरो तुम, शुद्र स्वार्थ लिप्त दिग्भ्रमित कारवां का पथ मन आलोकित करो तुम, ज्वलंत प्रश्नों के समाधान में उदात्त प्रयास बनो तुम, हर निकष गुजर वर्चस्वी पारस बनो तुम, ऊर्जस्वी प्रज्वलित मशाल बनो तुम। आकांक्षा हर मूर्त करो यूं, भारत की तस्वीर बदल दो, ऐसी कुछ तदबीर करो जो भारत की तकदीर बदल दो। भारत के सारथियों से इसी तरह की अपेक्षा है जो नेतृत्व कर रहे हैं आज हमारे भारत का। हर क्यारी का विश्वास बनो तुम, हर पुष्प का सम्मान करो तुम, हर क्यारी का विश्वास बनो तुम, हर पुष्प का सम्मान करो तुम, पटेल विवेक सुभाष बनो तुम, उत्साह का संचार करो तुम। आकांक्षा हर मूर्त करो यो, भारत की तस्वीर बदल दो, ऐसी कुछ तदबीर करो जो भारत की तकदीर बदल दो। ध्येय का संधान करो तुम, ऐसे प्रखर अर्जुन बनो तुम, रघुवर शिरोमणि बनो तुम, शेरे हिंदुस्तान बनो तुम, माँ का गौरव गान बनो तुम, इनकलाब का आह्वान बनो तुम, माँ का गौरव गान बनो तुम, इनकलाब का आह्वान बनो तुम, भारत माँ की शान बनो तुम, हर पथ निष्कंटक करो तुम, ऐसा स्वर्णिम पृष्ठ बनो तुम, ऐसा भव्य अमिट अक्षर बनो तुम, ऐसा स्वर्णिम पृष्ठ बनो तुम, ऐसा भव्य अमिट अक्षर बनो तुम। आकांक्षा हर मूर्त करो यो, भारत की तस्वीर बदल दो, ऐसी कुछ तदबीर करो जो भारत की तकदीर बदल दो। ऐसे ही हमारे सारथी मिले हमें जो हमारी भारत की तस्वीर बदल दें, भारत की तकदीर बदल दें, हम भारत को बहुत ऊंचे पायदान पर ले जाएं, ऐसी अपेक्षा है। और इससे अगली कड़ी में चलते हैं, नारी पर मैंने काफ़ी कविताएं लिखी हैं, उनमें से कुछ लेके आई हूँ।
नारी को जन्म से ही, या यूं कहें कि कुदरत ने ही हर परिस्थिति में पानी की तरह ढलने की एक अद्भुत क्षमता, एक अद्भुत गुण दिया है। वो अद्भुत गुण है नारी की समायोजन शक्ति, हर परिस्थिति में ढल जाती है। सामंजस्य उसे घर परिवार कैरियर समाज सभी में संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होता है। केवल एक दिशा नहीं, उसके लिए कई दिशाएं होती हैं। उसी बात को लेकर ये पंक्तियां प्रस्तुत हैं। सामंजस्य नीड़ सृजन हेतु, नीड़ सृजन हेतु पग पग पल पल सामंजस्य बैठाना पड़ता है। नीड़ सृजन हेतु पग पग पल पल सामंजस्य बैठाना पड़ता है। कण कण तृण तृण झंझावातों में भी जुटाना पड़ता है। जब कहीं नीड़ बनता है, नीड़ सृजन हेतु पग पग पल पल सामंजस्य बैठाना पड़ता है। कण कण तृण तृण झंझावातों में भी जुटाना पड़ता है। अमला बत्रा दीदी का भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हाँ, कहने को तो बहुत कुछ है, कहने को तो बहुत कुछ है, पर उलझने में क्या धरा है। कहने को तो बहुत कुछ है पर उलझने में क्या धरा है। कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ, कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ, एक पग तुम धरो एक पग मैं धरूं, पास हाथ तेरा नित आगे बढ़ूं। नीड़ सृजन हेतु कण कण तृण तृण जुटाना पड़ता है। हाँ, हम सब में मैं समाया है, हाँ हम सब में मैं समाया है, पर अहंकार में क्या धरा है। कुछ तुम झुको कुछ मैं झुकूं, एक पग तुम धरो एक पग मैं धरूं, नीड़ सृजन हेतु तृण तृण जुटाना पड़ता है। हर की हालत अभिमन्यु सी है, हर की हालत अभिमन्यु सी है, पर खींचा तानी में क्या धरा है। कुछ तुम सुनो कुछ मैं सुनूं, एक पग तुम धरो एक पग मैं धरूं, हाँ है होड़ा होड़ी आपाधापी, हाँ है होड़ा होड़ी आपाधापी, पर गिरने गिराने में क्या धरा है। कुछ तुम दौड़ो कुछ मैं दौड़ूं, एक पग तुम धरो एक पग मैं धरूं, नीड़ सृजन हेतु तृण तृण जुटाना पड़ता है। कामों का तो अंत नहीं है, कामों का तो अंत नहीं है, प्रत्यारोपों में क्या पड़ा है। कुछ तुम करो कुछ मैं करूं, एक पग तुम धरो एक पग मैं धरूं, जाती नहीं ये तपती दुपहरी, जाती नहीं ये तपती दुपहरी, अंतहीन सिलसिला है तपना तपाना, अंतहीन सिलसिला है। कुछ तुम सहो कुछ मैं सहूं, एक पग तुम धरो एक पग मैं धरूं, मैं तुम्हें निभाऊं तुम मुझे निभाओ, मैं तुम्हें निभाऊं तुम मुझे निभाओ, आओ हिल मिल नीड़ सजाओ, आओ हिल मिल नीड़ सजाओ। तो सामंजस्य हिस्से ही जीवन की शक्ति है, नारी जीवन का एक अद्भुत गुण है, उसको लेकर ही वो आगे बढ़ती है। नारी अपने परिवार के लिए, कमलेश जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कमलेश जी। नारी अपने परिवार के लिए जीती है, अपने आप को खपा देती है, लेकिन कभी कभी उसके मन में यह अंतर्द्वंद भी उठता है कि सबकी खुशियां मेरी खुशियां हैं, लेकिन मेरा अपना अस्तित्व, मेरा अपना वजूद क्या है। इन्हीं भावों को व्यक्त करती हुई मेरी अगली कविता है, सुनिएगा, अस्तित्व। बहन हूँ, बेटी हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ। बहन हूँ, बेटी हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ, फिर भी प्रश्न गूंजता है कानों में, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, पर तेरा अस्तित्व कहाँ है। तू सबका अस्तित्व बनाती है परिवार के लिए, तू सबका अस्तित्व बनाती है, सबकी खुशियों को अपना मान तू सारा जीवन जी जाती है, सबकी खुशियों को अपना मान तू सारा जीवन जी जाती है,
अपनों की खुशियों के खातिर सारा गरल पी जाती है। उसकी ऊर्जा, उसकी क्षमता मन मारने से पहचानी जाती है। उसकी चाचा को फोन आ रहा है। उसकी ऊर्जा, उसकी क्षमता मन मारने से पहचानी जाती है। हर जंग में महानता उसकी हारने से जानी जाती है। उसकी ऊर्जा, उसकी क्षमता मन मारने से पहचानी जाती है। हर जंग में महानता उसकी हारने से जानी जाती है। घुटती रहे, पिसती रहे तो आरती उतारी जाती है। घुटती रहे, पिसती रहे तो आरती उतारी जाती है। खपती रहे, मरती रहे तो बेअक्ल कहलाती है। खपती रहे, मरती रहे तो बेअक्ल कहलाती है। चुपचाप सब कुछ सहने में ही पुरखों की थाती है। घर की खुशियों के खातिर उसकी खुद की खुशियां ढह जाती हैं। दो मीठे शब्दों की आस में सारी उम्र पिस जाती है। दो मीठे शब्दों की आस में सारी उम्र पिस जाती है। व्यंग बाण बोछारों में खुद को अभिमन्यु सा पाती है। व्यंग बाण बोछारों में खुद को अभिमन्यु सा पाती है। जब तक सर्वस्व लुटाती है वो अपनी उनकी सर्वस्व कहती है। जब तक सर्वस्व लुटाती है तब तक परिवार की सर्वस्व कहती है। जब तक स्वर में स्वर मिलाती है तब तक शब्दों से पूजी जाती है। जब तक स्वर में स्वर मिलाती है शब्दों से पूजी जाती है। उसकी झुकी नजरें खामोशी ही यहाँ सबको भाती है। उसकी झुकी नजरें खामोशी ही यहाँ सबको भाती है। सबके जीवन में भोर लाने में उसकी अपनी सांझ हो जाती है। सबके जीवन में भोर लाने में उसके अपनी सांझ आ जाती है। कहे बहुत हुआ मैं भी जीऊंगी तो उल्टा कहलाती है। जो वो उसका अपना वजूद बनाए नई फूटी आंख सुहाती है। जो वो उसका अपना वजूद बनाए नहीं फूटी आंख सुहाती है। तू सबका अस्तित्व बनाती है पर तेरा अपना अस्तित्व कहाँ है। तू सबका अस्तित्व बनाती है पर तेरा अपना अस्तित्व कहाँ है। सबकी खुशियों को अपना मान तू सारा जीवन जी जाती है। सबकी खुशियों को अपना मान तू सारा जीवन जी जाती है। यह है हर नारी की कथा कहानी। अगली कविता है निरुपमा चतुर्वेदी जी जुड़ी हैं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन निरुपमा जी। भाग्यम दीदी जुड़ी हैं आयोजन से। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है भाग्यम दीदी आपका। हृदय से स्वागत। अगली कविता है सुख के साथी। हम सफर कभी साथ देते हैं कभी नहीं, लेकिन जब वो साथ नहीं देते तो किस तरह की बेचैनी अकुलाहट होती है। इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करती हुई मेरी अगली रचना है सुख के साथी। तुम केवल सुख के साथी हो दर्द किसी का क्या जानो। तुम केवल सुख के साथी हो दुख दर्द किसी का क्या जानो। शोहरत की खुशबू पाई है तुम नफरत के नश्तर क्या जानो। शोहरत की खुशबू पाई है तुम नफरत के नश्तर क्या जानो। दौलत के खजाने पाए हैं तुम कंगाल की मुश्किल क्या जानो। दौलत के खजाने पाए हैं तुम कंगाल की मुश्किल क्या जानो। रंगीन ख्वाब संजोए हैं, रंगीन ख्वाब संजोए हैं तुम बदरंग हकीकत क्या जानो। रंगीन ख्वाब सजोए हैं तुम बदरंग हकीकत क्या जानो। मचलते अरमा पिरोए हैं, मचलते अरमा पिरोए हैं तुम दहकते अंगारे क्या जानो। मदमस्त परवाने हो तुम कुर्बान शमा को क्या जानो। महलों का जीवन जिया है, महलों का जीवन जिया है तुम सड़कों के दंगल क्या जानो। हर पल डूबे बोतल में,
हर पल डूबे बोतल में तुम किस्मत के अजूबे क्या जानो। यौवन के पुजारी हो केवल, मंदिर की पुजारिन क्या पहचानो। पैसे के मदारी हो केवल, पैसे के मदारी हो केवल, तुम इंसान की कीमत क्या जानो। दौलत के खिलाड़ी हो केवल, तुम रहे अनाड़ी क्या जानो। कि हमदर्द हमारे बन जाओ, कुछ बात हमारी भी मानो, कुछ बात हमारी भी मानो। यह है हम सफर, साथ देते हैं तो बहुत बहुत राहत मिलती है, लेकिन कभी किसी मुकाम पर पूरा अधूरा साथ मिलता है तो तकलीफ भी बहुत होती है। अगली कविता है मेरी, जो 2018 में काव्य संग्रह आया था, हिलोरे। मन के अंदरदन, मन के जज्बात, संवेदना, वेदना, आवेग, हृदय के जो उद्गार हैं उनको मैंने संज्ञा दी है हिलोरे। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है और हिलोरें तट से टकराती हैं, तो सुनिएगा अगली कविता। जो भी पटल से जुड़े सभी का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। उन्होंने जीवन के व्यस्तम समय में से समय निकालकर इस आयोजन को सफल बनाया, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी अगली कविता है हिलोरे। उताल हिलोरों से जो टकराता वो ही मोती खोज कर लाता। उताल हिलोरों से जो टकराता वो ही मोती खोज कर लाता। मीलों तक पसरा सन्नाटा भयभीत नहीं कर पाता। मीलों तक पसरा सन्नाटा भयभीत नहीं कर पाता। कभी तट तोड़ती हिलोरें, कभी किनारे खोजती हिलोरें। कभी तट तोड़ती हिलोरें, कभी किनारे खोजती हिलोरें। रश्मियों की झरझर से सुनहरी खिलखिलाती हिलोरें। रश्मियों की झरझर से सुनहरी खिलखिलाती हिलोरें। कभी अरमानों की हूक सी हिलोरें, कभी बासंती बयार सी हिलोरें। भाव रंगों को समेटती मन की उथल पुथल सी हिलोरें। तूफानों से जो न चकराया उसके ही गूढ़ रहस्य हाथ आया। उताल हिलोरों से जो टकराता वो ही मोती खोज कर लाता। तट का निमंत्रण पा विभोर हो घमासान मचाती हिलोरे। तट का निमंत्रण पा विभोर हो घमासान मचा हिलोरे। के पीछे शत हिलोरे, अवरोधों से कब ठिठकी हिलोरे। कभी न थकना कभी न रुकना कहकर आपस में बतियाती हिलोरे। दौड़ होड़ से नहीं अघाती तट को झकझोरती हिलोरे। उर्मियों ने आ बतलाया गहराई में भरा खजाना। उर्मियों ने आ बतलाया गहराई में भरा खजाना। उताल हिलोरों से जो टकराता वो ही मोती खोज कर लाता। जीवन में भी यह है, जो संघर्ष करता है उसे सफलता मिलती है। मन के अंतर द्वंद सी हिलोरें, कभी घटा टोप करती हिलोरें। हवा का रुख मोड़ती हिलोरें, कभी हवा से अटखेलियां करती हिलोरे। हवा का रुख मोड़ती हिलोरे, हवा से अटखेलियां करती हिलोरे। तट से पहले कभी न ठहरी हवा में ठंडक घोलती हिलोरे। गाथा की उद्गाता हिलोरे, कितने ही रहस्य उगलती हिलोरे। जो कांटों को भी हंस सह जाता संघर्षों से हर्षों तक जाता। जो कांटों को भी हंसकर सह जाता संघर्षों से हर्षों तक जाता। उताल हिलोरों से जो टकराता वो ही मोती खोज कर लाता। जो जीवन में संघर्ष से घबराता नहीं है सफलता,
उसी के कदम चूमती है। यही सार है इस कविता का। अगली कविता है जो भी पटल पर जुड़ते जा रहे हैं मित्र, उन सभी मित्रों का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। गीता धवन जी, गीता जी, महेश जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। भाग्यम दीदी, कल्पना जी, कमलेश जी, सोनिया सेनी, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अगली जो कविता है, आज की नारी अपराजिता है। आज की नारी अपराजिता है, संकल्प संसार की आधारशिला है। नारी ही समाज, परिवार, देश की सच्ची शिल्पकार है। आज की नारी आत्मविश्वास के बल पर अपनी पहचान बना रही है। परिवार में, कैरियर में तालमेल बैठाने में नारी का कौशल वाकई काबिले तारीफ है। महिलाएं आज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपनी जिंदगी के अहम फैसले स्वयं ले रही हैं। कई बार नारी अपने अस्तित्व को टटोलती है कि मेरा अपना क्या वजूद है, और उसके अपनों से सहयोग की अपेक्षा भी करती है। उसे पता है कि एक पंख से नहीं उड़ा जा सकता, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते एक पंख से, हमें दूसरे पंख की भी उतनी ही ज़रूरत है। दोनों पंख का परिंदे के दोनों पंखों का समान महत्व है, तभी उड़ान सफल हो सकती है। दोनों स्वस्थ दृष्टिकोण हो, स्वस्थ विचारधारा हो, तो अपने अहम सफर से वो क्या उम्मीदें, क्या अपेक्षाएं रखती है, इसी वजूद को टटोलती हुई नारी के मन का आईना प्रस्तुत करती है मेरी अगली कविता, फिर देखो। गौर कीजिएगा, फिर देखो। हम नदी के दो किनारे हैं, हम नदी के दो किनारे हैं, जब चलना साथ साथ है तो इतना आघात क्यों, इतना अहंकार क्यों। तुम हो तो मैं क्यों नहीं, तुम हो तो मैं क्यों नहीं। मैं धरा हूं तो तुम गगन क्यों नहीं, मैं धरा हूं तो तुम गगन क्यों नहीं। मैं बनी उल्लास तो तुम विलास क्यों, मैं बनी उल्लास तो तुम विलास क्यों। मैं परछाई हूं तुम्हारी फिर अकेली क्यों, मैं परछाई हूं तुम्हारी फिर अकेली क्यों। तुम एक शख्सियत हो तो मैं मिल्कियत क्यों, तुम एक शख्सियत हो तो मैं मिल्कियत क्यों। तुम एक व्यक्ति हो तो मैं एक वस्तु क्यों, तुम एक व्यक्ति हो तो मैं एक वस्तु क्यों। तुम्हारी गरिमा की वजह हूं मैं फिर इतना अहम क्यों। तुम मेरी कायनात हो मैं सृष्टि हूं तो तुम वृष्टि बन जाओ, मैं सृष्टि हूं तो तुम वृष्टि बन जाओ, मैं रचना हूं तो तुम संरचना बन जाओ। फिर देखो, पतझड़ भी रिमझिम करेंगे और बसंत बोराएगी। मैं रचना हूं तो तुम संरचना बन जाओ, मैं सृष्टि हूं तो तुम वृष्टि बन जाओ। फिर देखो, पतझड़ भी रिमझिम करेंगे और बसंत बोराएगी। संघर्ष की पथरीली राह भी मखमली हो जाएगी, और नई भोर की अगवानी में संध्या भी गुनगुनाएगी। तो यही अपेक्षा है, करते हैं हर नारी अपने हम सफर से सहयोग की अपेक्षा रखती है, और इस संघर्ष भरे जीवन में नारी हमेशा निगाह अपने ध्येय पर रखती है। निगाह हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए जीवन को संघर्ष कहा जाता है, लेकिन नारी अपनी समझदारी से अपने ध्येय पर, अपने लक्ष्य पर निगाह जमाए आगे बढ़ती रहती है।
अपनी सूझबूझ का परिचय देती है। यही सब कहने का प्रयास किया है इस अगली रचना में। निगाह, निगाह ध्येय पे जमाए चलता चला गया, निगाह ध्येय पे जमाए चलता चला गया, अपनी किस्मत समझ सब सहता चला गया। कभी कांटों ने रोका, कभी फूलों ने टोका, कभी कांटों ने रोका, कभी फूलों ने टोका, कभी गमों ने घेरा, कभी खुशियों ने टेरा, कभी गमों ने घेरा, कभी खुशियों ने टेरा, निगाह ध्येय पे जमाए चलता चला गया, अपनी किस्मत समझ सब सहता चला गया। कभी अपनों ने रोका, कभी घेरों ने टोका, कभी खाई थी ठोकर, कभी खाया धोखा, कभी खाई ठोकर, कभी खाया धोखा, निगाह ध्येय पर जमाए चलता चला गया, अपनी किस्मत समझ सब सहता चला गया। इंसान की स्थिति यही है। कभी हालात का झोंका, कभी थी भंवर में नौका, कभी हालात का झोंका, कभी थी भंवर में नौका, ना मिला जीने का मौका, भारी भरकम को थोपा, पर फिर भी निगाह ध्येय पे जमाए चलता चला गया, अपनी किस्मत समझ सब सहता चला गया। खुद को भुलाया, औरों को जिलाया, खुद को भुलाया, औरों को जिलाया, मंजिल की धुन में कड़वा कसेला सब कुछ पीता चला गया, निगाह ध्येय पे जमाए चलता चला गया, अपनी किस्मत समझ सब कुछ सहता चला गया। निगाह ध्येय पे जमाए चलता चला गया, जुर्म सितम का सैलाब खुद खुद थम गया, जुर्म सितम का सैलाब खुद ब खुद थम गया। हमारे हौसलों के आगे सितम के सैलाब को भी नतमस्तक होना पड़ता है, इंसान के आगे झुका है। अगली कविता है हमारे अपने जो हमसे बिछुड़ गए उनकी मृदुल स्मृतियां हमारे हृदय पटल पर अमिट अंकित होती हैं। वो किस तरह हमें हर पल हर क्षण याद आते रहते हैं, यही है मेरी इस कविता में। देखिएगा पिछले पन्ने। सब कहते हैं वो चले गए, जो बिछुड़ जाते हैं उनके लिए सब कहते हैं वो चले गए, वो मिलते मुझे अकेले में, जो चिपके मन के कोनों में वो रहते पिछले पन्नों में, जो चिपके मन के कोनों में वो रहते पिछले पन्नों में, हर मोड़ पर मुझको उनकी याद सताती है जो चले। पिछले पन्ने खुल जाते हैं, पिछले पन्ने खुल जाते हैं, पाई हर आहत से वो वाकिफ है मेरी आदत से, जो भी हूं उनके खातिर हूं, जो भी हूं उनके खातिर हूं, क्या उनने मेरे लिए क्या क्या नहीं जुटाया, उम्र सारी प्यार लुटाया, जो जीवन का हिस्सा था, जो जीवन का हिस्सा था, आज वो पिछला किस्सा है, जब जब मन में रह रह कर टीसे चलती हैं, दर्दों का दरिया बहता है, चुपके चुपके कुछ कहता है, किसे सुनाऊं किसे दिखाऊं, सब कहते हैं वो चले गए, वो मिलते मुझे अकेले में, उनसे जो कह न सकी, उनसे जो कह न सकी, उनके खातिर जो कर न सकी, मन ही मन नित मरती हूं, मन ही मन नित मरती हूं, शादों में मन थका थका, वक्त के हाथों ठगा ठगा, हुक उठती है यदा कदा, उनकी याद आती है जो चले गए, उनकी बात रुलाती है जो चले गए,
आंखें भर भर आती हैं क्यों चले गए, आंखें भर भर आती हैं क्यों चले गए। सब कहते हैं वो चले गए, वो नित मिलते मुझे अकेले, वो नित मिलते मुझे अकेले। पिछली स्मृतियां हमारे मनोमस्तिष्क पर अमिट अंकित रहती हैं। जो भी मित्र आयोजन से जुड़ते जा रहे हैं उन सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने इस आयोजन के लिए समय निकाला, धन्यवाद उनका। आज अगली कविता है बढ़ता खोखलापन। आज घनिष्ठ रिश्तों में भी घनिष्ठता नहीं है, घनिष्ठ रिश्तों में भी घनिष्ठता नहीं है, ये हम सभी जानते हैं, महसूस करते हैं। रिश्ते के इसी खोखलेपन को उजागर करती है मेरी अगली कविता खोखलापन। सुनिएगा बढ़ता खोखलापन। नजदीक से देखा तो नजदीक कोई मिला ही नहीं, नजदीक देखा तो नजदीक कोई मिला ही नहीं, नजदीक तो क्या दूर दूर तक कोई दिखा ही, क्या नजदीक से देखा तो नजदीक कोई मिला ही नहीं, नजदीक तो क्या दूर दूर तक कोई दिखा ही नहीं। हूक सी उठी ठेस सी लगी, हूक सी उठी ठेस सी लगी, पर क्यों, मैं कितनों के नजदीक हूं, इसलिए कोई गिला नहीं। अपनी ढपली अपना राग बन बैठा जीवन का भाग, अपनी ढपली अपना राग बन बैठा जीवन का भाग। क्यों अपनों में अपनापन ढूंढा, क्यों अपनों में अपनापन ढूंढा, सब मेरे हैं भ्रम था झूठा, सब मेरे हैं भ्रम था झूठा। जिस पर वारा सब कुछ वो तक रूठा, जिस पर वारा सब कुछ वो तक रूठा, पर रिश्ता रिश्ता था अनूठा, रिश्ता हुआ रिश्ता था अनूठा, आंधी पतझड़ सह रहा अटूट। रिश्ते रिश्ते तो रहे लेकिन क्या अनूठापन था उनका, देखिएगा। रिश्ता रिश्ता था अनूठा, आंधी पतझड़ सह रहा अटूट। हे अपने पन की भूख सभी को, हे अपने पन की भूख सभी को, यूं सबको अपनापन भाता है, कोई कोई खूब जताता है, पर अपनत्व कोई ही दे पाता है, पर अपनत्व कोई ही दे पाता है। चुपके चुपके जड़े खोदते आगे पीछे जहर उगलते, चुपके चुपके जड़े खोदते आगे पीछे जहर उगलते, हर अपने तक सिमट रहा, हर व्यक्ति अपने तक सिमट रहा, हर तरफ खोखलापन छा रहा, हर तरफ खोखलापन छा रहा, हर व्यक्ति अपने तक सिमट रहा। ये हकीकत है, वास्तविकता है। आज घनिष्ठ रिश्तों में भी उतनी घनिष्ठता नहीं रही, कुछ कमी आ गई। अगली कविता देखिए। इस ब्रह्मांड में हमारी स्थिति क्या है, हमारा वजूद इतने बड़े ब्रह्मांड में मात्र एक पत्ते से अधिक नहीं। और देश की बात करें, जो हमारा देश हमारे समाज में हमारी स्थिति क्या है, एक कोशिका जैसी, जैसे शरीर में एक कोशिका सबसे छोटी इकाई है, हम भी हमारे देश हमारे समाज की एक छोटी, व्यक्ति भी एक छोटी इकाई है। इसी भावनाओं को अभिव्यक्ति करती है, लेकिन वो छोटी सी इकाई का वजूद, उसका महत्व तो बहुत कुछ है। जैसी वो छोटी इकाई है, जैसी वो कोशिका है, वैसा ही शरीर स्वस्थ होगा। यदि कोशिका बीमार है तो शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा। तो व्यक्ति जो कोशिका है राष्ट्र की, समाज की, देश की, उस की अभिव्यक्ति करने की मैंने कोशिश की है इस कविता में। देखिएगा, मैं कोशिका हूं राष्ट्र की, मैं कोशिका हूं राष्ट्र की, जिस दिन जन जन न्योछावर सर्वस्व करेगा उस भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। मैं कोशिका राष्ट्र की, जिस दिन
जन जन न्योछावर सर्वस्व करेगा, उस दिन भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। मैं कोशिका हूँ राष्ट्र की, मैं जैसा हूँ वैसा ही तो राष्ट्र बनेगा। मैं जैसी हूँ वैसा ही तो राष्ट्र बनेगा, मुझे पल पल आगे बढ़ना है। मैं ठहरा तो राष्ट्र की गति प्रगति ठहर जाएगी, मैं दृढ़ संकल्पी बना तो राष्ट्र भी सुदृढ़ बनेगा। मैं उर्वर कर्मठ बना तो राष्ट्र की सुदृढ़ रीढ़ बनेगी, मैं मेधावी विवेकवान बना तो सामंजस्य की गंगा बहेगी। मैं कोशिका हूँ राष्ट्र की, मैं जैसी हूँ वैसा ही तो राष्ट्र बनेगा। मैं स्वस्थ निरोगी रहा तो, मैं स्वस्थ निरोगी रहा तो फिर राष्ट्र निर्बल कैसे रहेगा। मैं शूर और साहसी बना तो, मैं शूर और साहसी बना तो फिर अरीबी थर्राएंगे। मैं शूर और साहसी बना तो अरीबी थर्राएंगे। मैं धर्म से भारतीय बना तो दुनिया मुट्ठी में आ जाएगी। मेरा जीवन उत्कृष्ट बना तो सर्वत्र उत्कृष्टता छा जाएगी। मैं शांत निर्झर बना तो चहुदिश शांति लहलाएगी। मैं व्यक्तित्व कृतित्व का धनी बना तो फिर राष्ट्र मेरा अतुलित समृद्धि पाएगा, मैं व्यक्तित्व कृतित्व से धनी बना तो फिर राष्ट्र मेरा अतुलित समृद्धि पाएगा। खुद को गढ़ने की ठान ली, तो फिर से वतन मेरा जगत गुरु कहलाएगा, हाँ, पटल से जो भी जुड़ते जा रहे हैं मित्र, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगली कविता है समय को सलाम। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शक्तिशाली देश, हम देख ही रहे हैं कि समय के आगे अच्छे अच्छे नतमस्तक हो जाते हैं। वक्त की ताकत को दर्शाती है मेरी ये कविता, वक्त को, समय को सलाम। सुनिएगा। जो फूंक से पछाड़ते, जो शेर सा दहाड़ते, जो वट वृक्ष उखाड़ते, आज वो दड़ाम है, समय को सलाम। जो फूंक से पछाड़ते, जो शेर सा दहाड़ते, जो वट वृक्ष उखाड़ते, आज वो धड़ाम है, समय को सलाम है। जिंदगी की अंधेरी ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों में, वक्त की ठोकर हमें पल में जिंदगी के मायने समझा देती है। वक्त का कहर कभी आसमां से बरपा, तो कभी कुदरत के करिश्मे से, और वक्त की करवट पैरों के नीचे से जमीन खींच लेती है। जैसे वक्त ठिठक गया हो, अपने सरक गए हों, और फिर फूटता है अंकुर आगे फिर जहां है। हरदम टिकी कब निशा है, वक्त की लय ताल वो थे, सिकंदर सरताज वो थे, सबसे ज्यादा आज मोहताज वो थे। आज सबसे ज्यादा हर तरह मोहताज वो थे। हर पत्ते का गुमान वो थे, कल तक जिनकी ठोकर में था जमाना, बहुत कम लोगों का था अब वहां आना जाना। काम था जिनका महफिल महकाना, आने से उनके मुश्किल था अब महक आना, समय है देवेंद्र जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। जो आयोजन से जुड़े कल्पना जी, महेश जी, अमला बत्रा दीदी, गीता धवन जी, कमलेश जी, सोनिया जी,
बाबूलाल जी, भाग्यव निधि, कमलेश जी, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, इस आयोजन को सफल बनाया, शुक्रिया उनका। अगली मेरी अंतिम एक कविता है, अपनी मातृभाषा को समर्पित। जितनी सहजता से बात हम अपनी मातृभाषा में कहते हैं, शायद उतनी सहजता से अन्य किसी भाषा में कहने में सक्षम और सहज नहीं होते। लेकिन आज अंग्रेजी का इतना बोलबाला है कि हम स्वयं हिंदुस्तानी भी हिंदी को हिकारत भरी, एक हिकारत भरी नज़र से देखते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं, तब बड़ी पीड़ा होती है। अंग्रेजी सीखना कोई गलत बात नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, सीखना है, सीखना चाहिए, लेकिन अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा को हीन दृष्टि से देखना उचित नहीं है। इन्हीं भावों को अभिव्यक्त करती हुई मेरी ये आखिरी रचना है, आखिर कब तक। हमारी जो हिंदी है बहुत उदार है, हमारी संस्कृति ही उदार है, हमारी भाषा भी उदार है। उदार हिंदी ने पराए लफ्जों को आत्मसात कर कृष्णा सा अपनाया। उदार हिंदी ने पराए लफ्जों को आत्मसात कर कृष्णा सा अपनाया, पर अब तो देवनागरी लिपि नदारत होती जा रही है। उदार यशोदा उदात दृष्टिकोण के कारण लुटी पिटी सी अपने ही घर में उनके अपनों से तोहीन झेलती जा रही है। उसके मेरे अपने खुद को बोना समझेंगे, उसको बोना समझेंगे तो फिर उस पर नाज गेरों को क्यों कर हो। अपनेपन को तरसती सी, अपने ही घर में उपेक्षित सी, अपने ही कल के लिए व्यथित सी, अपने स्वर्णिम अतीत की स्मृतियों में खोई खोई लगती है अब रोही कि अपने अपने ना रहे, जाने कब कौन करेगा उद्धार मेरा, इसी उम्मीद में आखिर कब तक जिल्लत झेलूं। हिंदी भाषा, हमारी मातृभाषा, शायद इस तकलीफ को महसूस करती हो। मैंने उस बात को उनके शब्दों में कहने का प्रयास किया है। देवेंद्र जी, समय है, सावित्री दीदी, कविता मुखर, कविता जी,